हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आज फिर, और आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये प्लास्टिक की टूटी हुई स्टिक्स हैं। और ये क्यों टूटी और वीडियो बनाने का मकसद क्या है, वो इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताता हूँ। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये चंद टूटी हुई स्टिक्स हैं। और ये क्यों टूटी, आपको पता ही व्यूअर्स के इस वक्त गर्मी का पीक है और ये हीटअप की वजह से वन बाय वन जो हैं वो स्टिक टूटी हैं प्लास्टिक की, और इनको मैंने रिप्लेस किया है इन कीकर की लकड़ी से। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, आप कीकर की लकड़ी मैंने तकरीबन अपने हर पोर्शन में लगा दिए, बस यही एक ही स्टिक है जो ये प्लास्टिक की ये बची हुई है। इनके अलावा जो है मैंने जितनी भी थी स्टिक उनको मैंने रिप्लेस कर दिया प्लास्टिक से कीकर की लकड़ी पर। तो पहले तो मेरे सेटअप में बस एक आध खाने में मतलब ये कीकर की लकड़ी मैंने लगाई थी कॉकटेल के लिए। जब मैंने देखा कि कीकर की लकड़ी का बेनिफिट है, बेनिफिट यही है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, ऑलमोस्ट जो है वो लाइफ टाइम ही है, तो बेहतर यही है कि एक बार का ख़र्चा करें और बार बार के ख़र्चे से बचें। तो ये बस कीकर की लकड़ी नहीं है, ये मतलब मुझे कहीं से मिली थी और वो मैंने लगा दी। तो व्यूअर्स, ये जो प्लास्टिक की लकड़ी है, प्लास्टिक की स्टिक है तो बड़ी कन्वीनियंट, आराम से लग जाती है, और वैसे तो कीकर की लकड़ी भी आराम से लग जाती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है लगाने में इस प्लास्टिक की स्टिक के मुकाबले में, और कीमत का डबल का फ़र्क है। ये 20 रुपये की एक स्टिक है प्लास्टिक की, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब एक आध साल से ज़्यादा की नहीं है, मैक्सिमम जो है वो 1.5 साल चल जाएगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी या लाइफ है। तो बहरहाल जिनके ओपन सेटअप हैं तो उनको तो मैं मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरा सेमी ओपन सेटअप था जिसकी वजह से ये स्टिक जो है तकरीबन 1 साल 1.5 साल ऑन एवरेज जो है वो चल गई। तो बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद यही है कि व्यूअर्स एक बार ही ख़र्चा करें, मतलब ख़र्चा कोई इतना ज़्यादा इसका है नहीं, 40 रुपये की ये एक स्टिक है कीकर की, और प्लास्टिक वाली जो है 20 रुपये की आपको पड़ेगी, डबल का फ़र्क ज़रूर है लेकिन ये कीकर की लकड़ी जो है आपकी लाइफ टाइम हो जाएगी, और ये जो प्लास्टिक की लकड़ी है जब तक चल रही है चलाएँ, हीटअप की वजह से या ज़्यादा लोड की वजह से ये इनके किनारे टूटे हैं, ये देख रहे हैं मैंने किनारे भी जमा करके रखे हैं। और ये मत समझिएगा कि व्यूअर्स ये मैंने वीडियो बनाने के स्पेशली ये स्टिक्स तोड़ी हैं, और मुझे कुछ ऐसा वो नहीं है कि मतलब एक वीडियो बनाने की खातिर जो है मैं अपनी सारी प्लास्टिक की लकड़ी स्टिक्स तोड़ूं और कीकर की लकड़ी पे रिप्लेस किया और चलो भाई वीडियो बना दी। तो व्यूअर्स जो मैं मतलब मेरे सेटअप पे मेरा एक्सपीरियंस होता है वही आप सब लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था कि आप लोग भी जो है अपना टाइम और पैसा दोनों की बचत करें और कोशिश करें एक बार चीज़ लगाएं, अच्छी चीज़ लगाएं, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो व्यूअर्स बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अपना और अपने व्यूअर्स का व्यूअर्स बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।